नमस्कार बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय के नए पैटर्न पर बेस्ड है। ये रीजनल ऑफिस ने भेजा है ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके का पेपर इस बार आने वाला है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो जो कॉम्पिटेंसी मैंने आपको बताई थी लास्ट पेपर में, 3rd to 5th कॉम्पिटेंसीज इस बार भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बट थोड़े से मार्क्स आपके चेंज हो गए। जैसे कि पठन आपका 5 मार्क का है, एक पैराग्राफ होगा उसको पढ़ के आपके क्वेश्चन आंसर्स देने के होंगे क्वेश्चन के, वो 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन। व्याकरण आपके 3 नंबर की है, वर्तनी 2 की है, गद्य और पद्य मतलब आपकी बुक से जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो 7 मार्क्स के होंगे, रचनात्मक लेखन 6 नंबर का है और सुलेख 2 नंबर का है। इस तरीके से आपके 25 नंबर पूरे होते हैं। पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पार्ट है, 10 क्वेश्चन इसमें होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है 15 मार्क्स का और 15 मार्क आपका ओरल है जो कि स्कूल में आई एम श्योर अभी केवीज में स्टार्ट हो गए होंगे आफ्टर 15 सभी के ही। चलिए अभी पेपर हम लोग देख लेते हैं कैसा है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिससे कि मिस ना करो किसी भी नोटिफिकेशन को। पठित गद्यांश है सबसे पहले, मतलब कि आपकी बुक से एक गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए और उस पर आधारित नीचे पूछे गए प्रश्नों के दिए हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। आपका जो हुदहुद वाला चैप्टर है उससे ये पैराग्राफ लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है गिद्धों की किनसे भेंट हुई। गिद्धों की भेंट सलमान से, सुलेमान से, गिद्धों से, तो गिद्धों की भेंट हुई थी शाह सुलेमान से। आगे है सुलेमान ने गिद्धों से क्या मदद मांगी। सिर के ऊपर छाया करने हेतु, उड़ने हेतु, साथ चलने हेतु, तो उन्होंने मदद मांगी थी कि मेरे सिर पर छाया कर दो क्योंकि गर्मी बहुत है। बादशाह का नाम क्या था, अकबर, बीरबल या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था, सुलेमान था। बादशाह किस कारण परेशान हो रहे थे, सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, तो वो परेशान थे गर्मी से। गिद्धों ने मना क्यों कर दिया, वे काम से बचना चाहते थे, वे किसी की मदद करना चाहते थे, इनमें से कोई नहीं, वे काम से बचना चाहते थे इसलिए उन्होंने कोई बहाना बनाकर ये मना कर दिया था। ओके, तो ये आपके 5 प्रश्न हैं। चैप्टर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो भी आप आंसर कर देंगे, आपको पैराग्राफ रीड करने की भी जरूरत नहीं है। अब व्याकरण पर आते हैं। खलीता शब्द का इनमें से क्या अर्थ है, अलमारी, पुस्तक या फिर जेब या थैला, ये दोनों ही मतलब होते हैं खलीता के, जेब आपकी या फिर थैला जिसमें आप पैसे रखते हो, ये चूहे वाले पार्ट से लिया गया। कविता जो है आपकी, निम्न में से सर्वनाम शब्द चुनिए, नारियल, तुम, दुकान, तुम, ये एक सर्वनाम है जो किसी नाम के बदले आया हुआ शब्द है। दिए गए पर्यायवाची शब्द राकेश, निशापति, मयंक किसके पर्यायवाची, निशापति, निशा मतलब रात होता है, राकेश, मयंक, ये सभी चांद के पर्यायवाची, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखिए आपसे पर्यायवाची पूछने के बजाय ये पूछ लिया थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स देके कि ये किसके है, बस इतना ही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, घुमा देते हैं, बाकी मेन चीज वही रहती है। अब वर्तनी पर आते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, इन वाक्य में कौन सा वाक्य सही है। मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, तो ये बुद्धू होता है तो बा होगा, बा पे छोटे ऊ की मात्रा, द आधा ध और बड़े की मात्रा, बुद्धू। निम्न शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही, आदरणीय या फिर ऊपर रा आएगा अणा के, तो आदरणीय सही है, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न है द्वितीय खंड। अब ये 10 मार्क के क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग आपके राइटिंग वाले क्वेश्चंस पर। बीकू भाई की पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था लाबूबेन, लाबूबेन। अगला प्रश्न है सुनीता कितने बजे सोकर उठी। सुनीता 7 बजे सोकर उठी थी, सुनीता की पहिया कुर्सी से ये लिया गया है, ये मैंने पहले भी कराया था आपको, पिछले साल के पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन। मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा था भीखू भाई ने, भीखू भाई। आगे है बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी, ये उससे लिया गया जो आपका एक प्ले है, तो उन्होंने छीके में इसलिए रखी थी ताकि बिल्ली वहां तक ना पहुंच सके, ताकि या जिससे बिल्ली ऊपर तक, वहां तक क्योंकि छीका थोड़ा ऊपर की तरफ लटकाया जाता है, ना पहुंच पाए, लेकिन हमने देखा था कि बिल्ली फिर भी पहुंच गई थी। आगे है धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, तो धनी बिल्ली सॉरी बिन्नी को घास खिलाकर, पानी पिलाकर और समय पर नहलाकर,
और जानवरों को क्या चाहिए, समय पर नहलाकर उसकी देखभाल करता था, नहलाकर। चलिए आगे आपका रचनात्मक लेखन। आपने डाकिया को पत्र बांटते हुए अवश्य देखा होगा, अगर आप डाकिया होते तो क्या करते, इस बारे में कोई दो वाक्य आपको लिखने हैं। दो ही लिखने हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं डाकिया होता तो अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करता, से कार्य करता, लोगों को उनके पत्र, मनी ऑर्डर आदि समय पर लाकर देता, समय पर लाकर देता, और लोगों को जब उनके पत्र और मनी ऑर्डर समय पर मिलते तो उनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती। इस तरीके से दो आप लिख देंगे। आगे है, अगर आप बड़े होकर पशु चिकित्सक बन जाते हैं और एक बीमार गाय या बैल आप एक सेकेंड आपके दरवाजे पर आ जाता है तथा वह घायल भी है, तब आप उसके साथ क्या करेंगे और क्यों? क्योंकि आप पशु चिकित्सक हैं तो सबसे पहले तो आप गाय या बैल को उचित उपचार देंगे, उपचार देंगे। और क्यों देंगे? क्योंकि ये एज ए डॉक्टर, चिकित्सक का मतलब पहला, चिकित्सक का पहला धर्म है कि जहाँ पर ज़रूरत है, धर्म है ज़रूरत पड़ने पर, ये पशु चिकित्सक का होगा, पशु चिकित्सक का धर्म है कि ज़रूरत पड़ने पर पशुओं को अपनी सेवा दें। ओके, चलिए, यानी कि दोनों जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए पूछे गए हैं। ऐसा नहीं, अब वो चाहते तो ये भी कह देते डाकिया पर एक निबंध लिख दो, लिख दीजिए, तो आप लिखते डाकिया ये पहनता है, चिट्ठी लाता है, जो है यहाँ पर रहता है, लेकिन आप होते तो क्या करते, कुछ अलग वो चीज़ आपको लिखनी है। पशु चिकित्सक पर भी सीधा निबंध नहीं कहा कि आप कहीं से चिटिंग करके लिख देंगे, आप होते और ऐसा होता, एक सिचुएशन आपको दे दी तो आप क्या करते, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिएगा। आपको पकवान बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको पकवान बनाने का मौका मिलता तो आप कौन सा पकवान बनाएंगे, इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? हलवा बना लीजिए, थोड़ा सा आसान भी है हलवा। अगर मैं पकवान बनाने का मुझे मौका मिले तो मैं हलवा बनाऊंगा, और बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सूजी चाहिए, घी चाहिए आपको, उसके बाद सूजी घी और पानी चाहिए और चीनी चाहिए, बस। पहले घी में, और अगर थोड़ी सी रेसिपी भी पूछे तो पहले घी में सूजी को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद उसमें चीनी और पानी डालकर अच्छे से पकाएंगे और फिर आपका हलवा तैयार हो जाएगा। रेसिपी भी इसकी ईजी है। अब शुद्ध सुलेख है जो ऊपर लिखा है वो आपको साफ साफ अक्षरों में नीचे लिखना है। ये था आपका सेट वन, सेट टू देखते हैं अभी। ये है सेट टू, कॉम्पिटेंसी सब वही है। दूसरा, ये गद्यांश भी देखिए हुदहुद से ही लिया गया है। हुदहुद एक सुंदर पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर पर सबसे सुंदर, शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज आती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है, तब वह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पक्षी जैसी लगती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चमकीला होता है। ओके, हुदहुद के बारे में सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, हुदहुद पक्षी के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? सुंदर, कुरूप, अच्छा, तो सुंदर सबसे सही शब्द होगा। हुदहुद के शरीर का कौन सा भाग सबसे सुंदर दिखता है? सिर की कलगी, पंजे या पंख, तो सिर की कलगी सबसे सुंदर है। हुदहुद का सारा शरीर कैसा होता है? काला, रंगीन, रंग बिरंगा और चमकीला, तो वो होता है रंग बिरंगा और चमकीला। बादामी रंग, काला रंग, सफेद रंग इसकी जो है और इसके शरीर के ऊपर पाया जाता है। जरा सी आवाज सुनने पर हुदहुद क्या करता है? चौकन्ना होकर पंख फैला लेता है, नाचने लगता है, उड़ जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो चौकन्ना हो जाता है और अपने पंखों को फैला लेता है, मतलब उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हुदहुद की कलगी किस तरह की दिखती है? छतरी के जैसे सुंदर पंछी की तरह या फिर छप्पर की तरह, तो वो दिखती है सुंदर पंछी की तरह। दूसरा व्याकरण के क्वेश्चन है, पोथी शब्द का अर्थ आपको बताना है। दुकान, अलमारी या पुस्तक, तो इसका अर्थ है पुस्तक। जो चूहे वाले चैप्टर, चूहे वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें काफी सारे वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिसका मीनिंग आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसकी वो जो पोयम है, मैंने स्टार्टिंग में आपको वर्ड मीनिंग कराए हुए हैं, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। दोना शब्द का बहुवचन इनमें से कौन सा है? दोना, दोने, दोनों, दोनाओं, तो दोना एक होता है, बहुत सारे हैं, तो फिर दोने, बाउल को बोलते हैं दोना हिंदी में। स्वतंत्रता शब्द का इनमें से क्या अर्थ है? स्वतंत्र होना मतलब आजाद हो जाना, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्तनी है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए, इनमें से रेखांकित शब्द को ध्यान से देखो, बताओ कि कौन सा वाक्य सही है। माने मेज पर नाश्ता लगा दिया, फिर नाश्ता लगा दिया, तो नाश्ता आपका पहला ऑप्शन सही है। फिर से नीचे शब्द दिए गए, ध्यान से देखो और वाक्यों में कौन सा सही है वो आपको बताना है। सुनीता के लिए यह सब कर पाना कठिन था या कठिन था, तो ये कठिन ठ पे छोटी की मात्रा आपकी आएगी।
ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। मुफ्त ही मुफ्त किस राज्य की लोक कथा है? तो ये है गुजरात की। और ये भी पूछ सकते हैं आपको कैसे पता लगा, क्योंकि जो नाम है आपके वो ऐसे ही है और कुछ शब्द भी जो इस्तेमाल हुए हैं पाठ में उसी की तरह आपको दिए हुए हैं। सुनीता की माँ ने उससे दुकान से क्या मंगवाया था? उन्होंने मंगवाया था 1 किलो चीनी। चीनी। आगे बीकू भाई क्या खाना चाहते थे? बीकू भाई खाना चाहते थे नारियल। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी? माफ करिएगा, चाहती होगी। क्यों ऐसा चाहती थी कि वो यही बनाए? क्योंकि चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती थी कि जब वो दोनों आग जलाएं और दाल बनाने में परेशान हो तब उन्हें देखकर सब लोग हंसेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा बड़ा आंसर है, इसको आप लिख देना, ये 2 नंबर का है। वैसे भी धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना सही क्यों समझा? सुबह के वक्त आश्रम में टहलते समय महात्मा जी के पास बात करने का पर्याप्त समय होता था, बाकी के समय वे हमेशा लोगों से घिरे रहते थे और हमेशा ही बहुत व्यस्त रहते थे। ये कारण है कि बाकी समय वो बहुत व्यस्त रहते थे, सुबह के समय वो खाली होते थे और घूमने के लिए आते थे, इसलिए उनको लगा कि यही समय अच्छा रहेगा उनसे बात करने का। अब आते हैं रचनात्मक लेखन पर। अपने विद्यालय के पुस्तकालय को और अच्छा बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए जिससे आपके विद्यालय में पुस्तकालय और अच्छा लगने लगे। तो आप क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों को एक न्यूज़पेपर मिले, या फिर कोई आपकी पुस्तक है, आप चाहते हैं कि ये पुस्तकें वहाँ पर आए, बच्चों की कहानियों की पुस्तक ज़्यादा हो, कहानियों की पुस्तकें हों। उसके बाद जो है और क्या आप कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी में? डिजिटल लाइब्रेरी हो जाए, ये आप लिख सकते हैं कि ई बुक्स मिले। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? डिजिटल ही लिखेंगे शायद से, डिजिटल हो जाए लाइब्रेरी। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सब कुछ फ़ोन पे ही है, आप स्कूल तो जा नहीं रहे तो लाइब्रेरी का कोई यूज़ नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि जो बुक्स लाइब्रेरी में हो वो आपको ऑनलाइन भी भेज दी जाए ताकि आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकें। तो ये एक पॉइंट आप अच्छा लिख सकते हैं। उसके बाद बाकी बस इतना ही है, 2। और लाइब्रेरी में आपको लगता है कोई कमी है आपके स्कूल की तो वो भी आप यहाँ पर पॉइंट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आपके सामने एक पेट दर्द से परेशान व्यक्ति बैठा है, आप उसकी परेशानी से संबंधित कौन कौन सी दो आप उससे उसकी परेशानी से संबंधित कौन कौन सी 2 बातें पूछेंगे? एक तो आप सबसे पहले स्कूल में भी अगर आपको पेट दर्द होता है तो टीचर आपसे क्या पूछती है कि खाना खाया या नहीं, खाना खाया या कि नहीं, या फिर खाया तो कब खाया और खाने में क्या खाया, खाना कब और क्या खाने में खाया वो पूछेंगे। या फिर आप पूछ सकते हैं किस तरफ दर्द हो रहा है, कब से है, कितने समय से है, समय से तुम दर्द से पीड़ित हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस एज अ डॉक्टर आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिवली राइटिंग दी हुई है बच्चों, इसके देख लो अब आपकी हिंदी जितनी अच्छी है ये उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, आपने खेत में काम करते हुए किसान को देखा होगा, इस किसान के बारे में सोचे तथा बताएं कि अगर आप किसान होते तो क्या करते। अगर मैं किसान होता तो अपने आप बहुत गर्व, अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडमायर्ड पर्सन होते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी प्रशंसा की जाती है वो किसान ही है। लोगों की जो खाने की ज़रूरत है उसको ये पूरा करते हैं। मैं अपनी फसल में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स ये कम यूज़ करता और जो खाद है घर की बनी हुई खाद वो ज़्यादा इस्तेमाल करता जिससे कि शुद्ध जो है खाना लोगों को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करता हर सीज़न के अकॉर्डिंग। मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदता, जो उपकरण है जैसे कि ट्रैक्टर ले लेता जिससे कि खेत जोतने में आसानी हो जाए, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। और इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बहुत हार्मफुल मैं जो पेस्टिसाइड्स हैं वो नहीं यूज़ करता अपने खेत में जिससे कि सॉइल जो है कि उपजाऊ शक्ति जो है फर्टिलिटी वो लूज़ हो जाती है। ओके, तो अपने फार्म पर बहुत मेहनत से काम करता, 2 ही सेंटेंस आपको लिखने हैं, मैंने बहुत बता दिए। मेहनत से काम करता और अपने ऊपर बहुत गर्व करता और नए जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करता, नए उपकरणों के इस्तेमाल से खेती करता ताकि उपज ज़्यादा हो और जो ज़रूरत है फूड की खाने की लोगों को वो पूरी हो सके। ओके, और लास्ट है ये आपका सुलेख, जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। उम्मीद है कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको कैसा पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।